Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 85. For that, now new topic will be started from this lecture. We have to start a new topic from your zoology section, human physiology section, and that is named as excretory products and their elimination. यानी excretion totally, उत्सर्जन प्रक्रिया. तो देखो अभी तक के 84 लेक्चर्स में मैंने क्या पढ़ाया है. एवरी लेक्चर वॉज जस्ट फॉर 10 मिनट्स 12 मिनट्स मैक्सिमम 15 मिनट्स. सो 12 मिनट का एवरेज है लेक्चर. तो देखो लेक्चर नंबर 1 to 30 अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके तो 1 to 30 जो है वो फर्स्ट टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन इन ऑल डिटेल्स. आई हैव एक्सप्लेन दैट in all details, not a single article eliminated. Lecture number 31 to 50, you will get breathing and exchange of gases, yani respiration topic, in all respect, every article, okay, and even from board point of view as well as MCQ NEET point of view. Aur third topic to aapne padha hai 51 to 84. यह है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट वगैरह. तो ये तीनों भी टॉपिक्स नीट के या बोर्ड एग्जाम के रेफरेंस लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके सो जिन्होंने अभी अभी मेरा चैनल ज्वाइन किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके बेनिफिट के लिए अगर लेक्चर नंबर 1 से आप जाएंगे 84 तक मेरे चैनल तक मेरे चैनल पे अगर 1 to 84 तक जाएंगे तो बिल्कुल आपको पहले तीन टॉपिक मिलेंगे. एवरी लेक्चर यू कैन वॉच फॉर वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम एंड रिवाइज दैट एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड परफेक्टली फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम MCQ, NEET और CET point of view. I am 101% confident. More than 500 doctors have been there working in the society today. In my all that career, every year that students were getting admission there. Okay. तो particularly ये जो है ये definitely आपको फायदा देने वाला है. Okay. आपकी comments बिल्कुल नीचे लिखिए और बिल्कुल आप इसका फायदा लीजिए. ओके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ दिस अलोंग विद बायोलॉजी यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ माय कार्टेसर केमिस्ट्री क्लासेस आल्सो. कार्टेसर केमिस्ट्री ये जो चैनल है उसके ऊपर आप जाओ उसके ऊपर भी आपको 11th और 12th के टॉपिक्स मिलेंगे. ओके ये टॉपिक जो है 11th के है लेकिन जिसको नीट देना है उसको भी ये इंपॉर्टेंट है इवन दो ही इज इन 12th. नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सक्रीशन. हमने देखा डाइजेशन प्रोसेस में दैट टू सर्वाइव एंड टू सस्टेन द इनटेक ऑफ फूड एंड वाटर इज वेरी इसेंशियल. रेस्पिरेशन टॉपिक में हमने देखा टू सर्वाइव फॉर एवरी मोमेंट ऑक्सीजन गैस इनटेक इज इसेंशियल. ये तो इनटेक वाला पार्ट हो गया isn't it? यानी फूड एंड पर्टिकुलरली वाटर विदाउट दैट वी कैनॉट सर्वाइव. सिमिलरली ऑक्सीजन विदाउट दैट वी कैनॉट सर्वाइव. ये दो इंपॉर्टेंस हमने देखे पहले दो टॉपिक में. अब देखो आगे चल के क्या होता है वो भी मैंने देखा पढ़ाया था आपको इन एसिमिलेशन ऑफ दैट डाइजेशन. एक जो स्टेप है एसिमिलेशन the digested food is absorbed and through that conducting system of the heart blood it is supplied to almost every living cell of the body. तो हर एक living cell को supply किया जाता है. every living cell is getting supplied with what? with food, with water and with oxygen. through that blood we know ये ट्रांसपोर्ट करने वाला भी ब्लड ही है. एंड विदाउट दैट द लिविंग सेल कैनॉट सर्वाइव. ये भी मैंने आपको बताया था. ओके अब लिविंग सेल में एक प्रोसेस होता है
एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, जिसे हम चय अपचय प्रक्रिया कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म इज दैट प्रोसेस वेयर सम कंस्ट्रक्टिव सिंथेटिक पार्ट ऑकर्स एंड हियर कैटाबॉलिज्म वेयर सम डिकम्पोजिंग और डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑकर्स। ओके, ये डिस्ट्रक्टिव रहती है कैटाबॉलिज्म, यानी फूड वगैरह जो है, दैट फूड मटेरियल एसेट्रा व्हेन ब्रोकन डाउन, ओके, फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन, ओके, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैटाबॉलिज्म। बट व्हेनेवर बाय यूजिंग फूड मटेरियल एसेट्रा सम इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस एंड मटेरियल्स आर प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस एंड मटेरियल्स, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स आर प्रोड्यूस, ओके, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनाबॉलिज्म। पर क्या होता है, इन दोनों प्रोसेस में, यानी मेटाबॉलिज्म में कुछ वेस्ट मैटर बनते हैं, वेस्ट मैटर इज क्रिएटेड। अब देखो, आप घर में भी देखो ना, किचन में यार, जब तुम्हारी मम्मी कुछ सब्जी बना रही है, आलू की सब्जी है या प्याज है, पका प्याज काटा है, या कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स है, तो आपको देखो उसमें का कुछ पार्ट हम लेते हैं और कुछ पार्ट वेस्ट रहता है, जैसे उसकी छाल जो है आलू की, या पर्टिकुलरली हमारा जो ओनियन है उसका बाहर का स्केल लूज फेंक देते हैं हम, या जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें के कुछ पार्ट जो है वो हम फेंक देते हैं, उसके जो ब्रांचेस वगैरह रहते हैं, ओनली पत्ते जो है वो लेते हैं। सो दैट वेस्ट मैटर इज देयर एवरीवेयर, एंड दैट वेस्ट मैटर आल्सो गेट्स कलेक्टेड देयर बिकॉज ऑफ दैट मेटाबॉलिज्म इन एवरी लिविंग सेल। तो ये जो वेस्ट मैटर है, ये लिविंग सेल से कलेक्ट करना है, ओके, और उसको शरीर के बाहर फेंक देना है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एक्सक्रीशन। ओके, द वेस्ट मैटर इज कलेक्टेड। अभी ये वेस्ट मैटर जो है वो कौन सा, और ये खाली मेटाबॉलिज्म से आता है ऐसा नहीं है, इट मे बी देयर बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इनटेक ऑफ मटेरियल भी। एक्सेसिव इनटेक लिया हमने मटेरियल का तो भी होता है। ये वेस्ट मैटर इज क्रिएटेड इन द लिविंग सेल और इन द बॉडी, पर्टिकुलरली बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ मटेरियल और बाय मेटाबॉलिज्म। समझ में आ रहा है? एंड दिस वेस्ट मैटर इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव। इस वेस्ट मैटर को शरीर के बाहर फेंक देना बहुत ही जरूरी होता है। इजंट इट? सो रिमूवल ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नोन एज फ्रॉम बॉडी, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। ओके, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, कलेक्शन एंड इलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कलेक्शन एंड इलिमिनेशन ऑफ नॉन गैशियस, पर्टिकुलरली एक्सक्रीशन उसको कहा है, नॉन गैशियस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसे उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कलेक्शन एंड इलिमिनेशन ऑफ नॉन गैशियस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल इज नोन एज एक्सक्रीशन।
एंड इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द इनटेक ऑफ मटेरियल। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों। मैंने क्या बताया इस लेक्चर में, एक तो पहला पार्ट तो मेरा इंट्रोडक्शन में गया, जिसमें मैंने बताया आपको कि अगर आप लेक्चर नंबर 1 से 84 जाएंगे तो आपको इस चैनल पे डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसको वॉच करो, जरूर वॉच करो, टाइम निकाल के वॉच करो। ओके, 12-12 मिनट के एक लेक्चर एवरेज है। और उसके बाद में मैंने चालू कर दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी दैट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसका मैंने एक प्रिंसिपल बता दिया दैट एवरी लिविंग सेल गेट सप्लाइड विद फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। फिर लिविंग सेल में एक पार्ट होता है मेटाबॉलिज्म, एंड फ्रॉम लिविंग सेल बाय मेटाबॉलिज्म द वेस्ट मैटर इज प्रोड्यूस्ड देयर। तो ये वेस्ट मैटर शरीर के बाहर फेंक देना बहुत ही जरूरी होता है, एंड दैट इज डन देयर। ओके, दैट इज डन देयर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एक्सक्रीशन। तो उसका ये डेफिनेशन आप लर्न करो, आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पार्ट वेरी प्रॉपरली। इसके ऊपर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 86 में हम और चर्चा करने वाले हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।